जी नमस्कार, एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस में आप लोग का स्वागत है। क्लास नाइन्थ का चैप्टर टू का पार्ट थर्ड एपिसोड नंबर 9 लेके आए हैं प्रोनोमियल्स, और टॉपिक का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहले अभी रिमाइंडर के बारे में हम लोग सीखेंगे कि रिमाइंडर होता क्या है, यानी रिमाइंडर को पहले सीखेंगे। अगर एलजेब्रा की हम रिमाइंडर की बात करें, चाहे किसी की भी बात करें, तो रिमाइंडर क्या होता है इसकी चर्चा हम करेंगे। तो यहां पर रिमाइंडर की बात अगर हम करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, यह बात आपको क्लियर करके देना पड़ेगा कि रिमाइंडर क्या होता है। जैसे ये 15 है, इसको 4 से डिवाइड किया तो 4 तिहाई 12, यहां 3 आया, यह रिमाइंडर आपका 3 हो गया। अब रिमाइंडर है क्या, यानी इसको आप लिख सकते हो 15 को 4 × 3 + 3, यह बात आपका हो गया। यानी यह फ्रैक्शनल पार्ट में होता है, यानी 3 होल 3/4, ये भी लिख सकते हो, और ऐसे करोगे तो 15/4। अब थोड़ा सा तुम लोग को हम दर्द देंगे। यहां पर क्या हुआ कि अगर ये वाला तुम्हारा B है और ये A है, तो ये Q होगा, ये R होगा, यानी A बराबर BQ + R। अब यहां हम दुख देने वाले क्या हैं कि B और R हमेशा यह पॉजिटिव होगा, और R B तो हमेशा पॉजिटिव होगा। R का अगर हम वैल्यू की हम बात करें तो यह 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा होगा, यह बात आपका क्लियर हो गया। अब ये और Q के बारे में कहा जाए तो यह 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, यह बात आपका क्लियर हो गया। लेकिन यही 4 को यह -15 को डिवाइड करना है तो यहां -4 जा, ये -16, -15 -16, यहां पर -15 + 16 1, यानी -15/4 को तुम लिख सकते हो -4 होल, यहां पर 1/4। यहां कोई कंफ्यूजन आपकी नहीं होना चाहिए, यह है फ्रैक्शनल पार्ट, ये है रिमाइंडर। यानी रिमाइंडर क्या होगा इसके बारे में समझने में हम नहीं लगता है कि किसी को कोई दिक्कत होगा। अब रिमाइंडर निकालना चालू कर दो। यहां पर -18 दे दिए, यहां 7 दे दिए, यहां 8 दे दिए, यहां 35 दे दिए, यहां 9 दे दिए, यहां 65 दे दिए। अब इसको निकालो। यहां पर यह -3/4 में लगेगा, यानी -21, यानी -18 - 21, यानी -18 + 21 = 3, रिमाइंडर 3 आ गया। यहां पर 8 को अब हम भागा देंगे ना, तो 8 × 5 = 40, यहां पर -35 - 40 - 35 = 40, यहां 5, यानी रिमाइंडर 5 आया। यहां पर हम लोग हल करेंगे
तो यहां 72 माइनस 65 माइनस 72 रिमाइंडर 7 आया। यानी अगर हम फ्रैक्शनल की अगर हम बात करें तो माइनस 3 और 3/7 इसको लिख सकते हैं माइनस 5/8 और इसको माइनस 8/7। यह बात तुम्हारे पास आ गया। अब हम रिमाइंडर की बात करेंगे तो रिमाइंडर जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट होता है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट होता है। जैसे अगर कोई पूछे 18+25/7, तो एक विद्यार्थी क्या किया कि इसको पहले जोड़ा और 7 से डिवाइड किया। यानी रिमाइंडर 1 आया। दूसरा आपका यहां पर यह हो गया कि 7 × 14 यानी 4 आया और ये वाला हल करेंगे सत्या कैसे भी 4 चार चार जोड़ा 8, 8 को 7 से भाग दिया 1 आ गया। इसी ढंग से अगर यहां पर 18 है और गुने 25 है और यहां 7 की बात करेगा तो यहां पर हम लोग का हल हो गया 4 × 4 = 16 और 16 को 7 से भाग दे दिया तो 2 आ गया। अब दूसरा विद्यार्थी यह कह सकता है कि 25 × यहां पर 18 होगा, 8 × 5 = 40, यहां 4 हो गया, 8 × 16 यहां 20 हो गया, 1 × 5 = 5 यहां 2 हो गया, यहां पर 5 ये 4 आपको आ गया। अब यहां पर 450 को तुम 7 से भागा देगा तो 7 × 6 = 42 और यहां 3 आ गया, 7 × 28 यहां 2 आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में रिमाइंडर डायरेक्ट होता है। यह बात आपका क्लियर हो गया। अब बात होगी कि पॉलीनोमियल्स में अगर हम बात करें कि रिमाइंडर क्या होगा तो यहां पर px तुमको दिया हुआ रहेगा और उसी के सामने gx दिया हुआ रहेगा। यानी gx को यहां पर px से डिवाइड करोगे और यहां पर qx नहीं निकालना है तुम्हें, लेकिन यह भी निकालना सिखा देंगे, और यहां पर rx यही रिमाइंडर होगा। यानी क्वेश्चन जब आएगा तो उससे पहले हम लोग यहां पर काम करना चालू कर दें। इससे पहले रिमाइंडर प्रत्येक स्थिति में 0 को तुमने सीखा था। अब यहां पर तुम्हारे पास px इज इक्वल टू तुम्हारे पास यहां x³ − 3x² और यहां पर 5x + 8 है। अब आपको यहां पर p2 की वैल्यू निकालना वहां सिखाए थे, लेकिन अब यहां x माइनस इसको 2 कर देंगे। यानी अगर तुम्हारे इस बुक के अनुसार बनाओगे तो x − 2 को x³ − 3x² और यहां पर 5x + 8 हो जाएगा। अब यहां पर तुम्हारे पास x² बार में लगेगा तो यहां पर x³ − 2x² ये कट गया, यानी −x² यहां पर 5x। अब यहां पर −x बार में लगा तो −x² + 2x हो जाएगा। अब 5x में से 2x गया तो 3x + 8 यहां पर 3 आ गया, तो यहां पर 3x − 6 अब ये आपका 8 × 6 = 14 हो गया। क्या इतना टाइम लगाएंगे? तो आपको हम मिलाए थे दो मैथमेटिशियन से, वो एक था पहला रामानुजन साहब। आइए हम लोग रामानुजन साहब के अनुसार करते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर तुम्हारे पास रामानुजन साहब के अनुसार अगर तुम करोगे तो यहां पर बोले थे कि ये घेर देना है। अब अभी पेन को चेंज नहीं हुआ तो पेन को हम लोग ब्लू कर देते हैं। अब यहां पर 2 रख देना है, 1 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2, यहां −1 आ गया और −1 को 2 से किया, यहां 3 आ गया और 3 × 6 यानी यह रिमाइंडर आपका 14 आएगा। और जहां तक बात हुआ कि पावर में क्या आएगा, तो इसमें से एक पावर घट गया
तो तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर हो गया, यहां पर माइनस एक्स है और ये प्लस थ्री है। यानी कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप रामानुजन साहब से बना सकते हैं, तो आपको कोई तरह का तकलीफ नहीं होगा। यानी अब यहां पर इसी टाइप से हम क्वेश्चन को करने का हम प्रयास करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, आपके पास एक रामानुजन साहब का कंसेप्ट है और एक हम आपको जो कंसेप्ट दिए थे उनका कंसेप्ट है। दोनों कंसेप्ट से हम लोग सीखते हैं और देखते हैं कि क्या हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये कौन कह सकता है कि सभी इंसान कर ही लेगा। अब यहां पर निर्भर करेगा कि वो प्रैक्टिस कितना करता है। अभी x प्लस वन है, तो अगर आपकी हम बुक की मेथड से हम बात करें और ऐसे बात करें, दोनों से हम बात करते हैं, तो अगर बुक की मेथड से अगर हम बात करोगे तो यहां पर x प्लस वन, यानी यहां पर ये x प्लस वन और यहां पर एक्स क्यू और यहां पर थ्री एक्स स्क्वायर और यहां पर थ्री एक्स प्लस वन है। यानी यह कितना बार में लगेगा, एक्स स्क्वायर बार में, तो यहां पर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये थ्री एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर हो गया तो यहां टू एक्स स्क्वायर और यहां पर थ्री एक्स प्लस वन। अब यहां पर तुमको टू एक्स बार में लगाओगे तो यहां पर टू एक्स स्क्वायर और यहां टू एक्स, घटाओगे तो यहां पर एक्स आ जाएगा और वन आ जाएगा। यानी ये वन बार में लग गया और रिमाइंडर जीरो आ गया, यानी यह रिमाइंडर जीरो आएगा। अब यहां पर देखो, मेरे मेथड से बनाओगे तो वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि दो तीन मेथड अगर बनाते हो ना तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऑप्शन तो आपके पास होने चाहिए ना। तो यहां पर x प्लस वन इक्वल यहां जीरो कर दोगे, यानी x की वैल्यू माइनस वन हो गया। यहां माइनस वन रखोगे, गौर से देखो, यह है वन है, वन में माइनस वन से मल्टीप्लाई किया माइनस वन आ गया, थ्री माइनस वन को किया टू हो गया, माइनस टू से करा माइनस टू, यहां वन आ गया, वन में माइनस वन से किया वन, ये जीरो आ गया, ये जीरो लिखने आ गया। यानी यहां पर रिमाइंडर x की बात हम करेंगे तो जीरो हो गया, और qx की भी बात कर लो अभी, क्योंकि अभी प्रैक्टिस क्यों रहेगा, तो x स्क्वायर और यहां पर 2x प्लस वन हो गया। दूसरा, इसको ऐसे भी बना सकते हो कि x प्लस वन इक्वल जीरो है तो x की वैल्यू माइनस वन रख दो। यहां पर माइनस वन रखोगे तो माइनस वन का क्यू होगा और थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर और थ्री इंटू माइनस वन प्लस वन होगा। यानी माइनस वन यहां थ्री और यहां पर माइनस थ्री और प्लस वन, यहां पर ये कट गया, ये कट गया, जीरो हो गया। यानी पहला क्वेश्चन बनाने में कोई तरह का आपकी दिक्कत नहीं है। अब इसी को हम मिटा दें और आपको जो है, आपको दूसरी क्वेश्चन इसी में आपको हम बनाने का प्रयास करें। यह बात को आपको यहां पर क्लियर होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये चीज को क्लियर होना चाहिए। ये तुम्हारे पास आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आराम से बन गया है, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। दोनों मेथड से हम बनाने का प्रयास किया और आपने ये बना लिया है, ये भी बात को आपका क्लियर है। अगली प्रश्न हमारे पास ये आता है, यानी 2x माइनस वन से हमको डिवाइड करना है, 2x माइनस वन से डिवाइड करना है एक्स क्यू और थ्री एक्स स्क्वायर, यहां पर थ्री एक्स प्लस वन का, तो पहले बार में क्या लगेगा, यह बात को यहां पर जानना है। यहां लाना है तो यहां पर तुम्हारे पास लगेगा हाफ और एक्स स्क्वायर, चूंकि इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहां पर एक्स क्यू आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यानी यहां पर हाफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यह तुम्हारे पास आ गया। अब इसकी घटाने की बात कर रहा है तो तीन है यहां पर, सात बटे दो एक्स स्क्वायर और यहां पर थ्री एक्स प्लस वन हो गया। अब वहां पर लाने के लिए ये आपका सात बटे दो लाना है, तो अब इसको हम कितना से गुणा करें कि दो में हम कितना से गुणा करें कि यह सात बटे दो आ जाए, यानी सात बटे चार से, यानी यहां पर सात बटे चार एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर सात बटे दो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर सात बटे चार एक्स और यहां पर तुम्हारे पास हो गया, एक कट गया। अब यह तीन है और यहां पर सात बटे चार है तो चार तिहाई बारह, सात उन्नीस, यानी यहां पर उन्नीस बटे चार एक्स प्लस वन हो जाएगा। अगला हमारा यहां पर उन्नीस बटे आठ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब यहां पर उन्नीस बटे
चार एक्स, और यहां पर हम लोग हल करेंगे तो 19/8 हो जाएगा। अब तुम्हारे पास ये कट गया, अब तुम्हारे पास यहां पर आ जाएगा एक माइनस 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 प्लस ए, रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, यानी यहां 8 और 19 जोड़ेंगे 27/8 हो जाएगा। अब यहां पर तुमको डायरेक्ट कैसे करोगे, जिसके लिए सर जाने जाते हैं, तो यहां पर x की हुआ और यहां पर 3x² है और 3x+1 है। अब यहां पर ये हाफ रखोगे, 1 में हाफ कर दिया तो ये जुड़ गया तो 7/2। अब 7/2 को गुना करोगे हाफ से तो यहां 7/4 हो गया, जोड़ दिया तो यहां पर तुम्हारे पास 3 होल और यहां 7/4 है, तो 4 3 12 और 7 19, 19/4। यानी यहां पर 19/4 आ गया, 19/4 को पुनः गुना किया तो 19/8 हो गया, और एक के साथ इन्होंने जोड़ दिया तो 19 और 8 27/8, यानी रिमाइंडर 27/8 आएगा, और कोफिशिएंट भी लिखने आ गया है। अब पुनः फिर से हमको मिटाना पड़ेगा, चूंकि अब क्वेश्चन नंबर यहां पर है तो ये आपका x है, यानी x यहां पर इसको तुम कह सकते हो कि x प्लस ये 0 है, यानी 0 से करेंगे तो यहां 1 रिमाइंडर आएगा। अगला यहां पर पाई है तो यहां पर पाई रख दोगे तो यहां पर पाई का क्यूब हो जाएगा और 3π² 3π+1 हो जाएगा, ये इसका रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन x प्लस पाई है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी वाला माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, तुम्हारे पास आ जाएगा अगला प्रश्न, यहां पर 5 + 2x = 0 है, यानी 2x = -5 हो गया, यानी x के जगह पर -5/2 रख दोगे तो यहां पर -5/2 रखा, इसकी होल क्यू रख दिया और 3 - 5/2 यहां होल स्क्वायर रख दिया और 3 - 5/2 + 1 रख दिया। अब तुम्हारे पास क्या होगा कि यहां पर -125/8 हो गया, और यहां पर हम लोग हल करोगे तो 25 या 75 और 4/4 हो जाएगा, और माइनस यहां पर 15/2 हो गया, +1 हो गया, बात नहीं बनेगा, ये रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर निकालना बिल्कुल आपको अच्छे ढंग से आ रहा है, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो बोल सकते हो कि रिमाइंडर को दिक्कत है। दोनों मेथड से तुमको सिखाया गया, एक डिवाइड कर करके, दूसरा डायरेक्ट, और तीसरा वैल्यू रख करके। तीनों में से अगर कोई मेथड अगर याद है एग्जामिनेशन हॉल में कर सकते हो, आपको कहो भी रुकावट नहीं होगा। चाहे बुक का मेथड याद है, या आपका वैल्यू रख के याद है, या आपने रामानुजन मेथड का यूज कर लिया है, वहां पर केवल यह बात लिखना पड़ेगा कि यह सिंथेटिक डिवीजन है जो इस टाइप से होता है, तो अगर वहां पर वह मान्य हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, यहां पर कह रहा कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² - 6x - a = 0। तो इसके फर्स्ट मेथड से अगर करोगे तो यहां पर फर्स्ट मेथड से करोगे तो यहां पर पहले यहां पर देखना होगा फर्स्ट मेथड से, तो यहां पर x - a = 0 है, यानी x = a होगा, यानी a इस पर वैल्यू हम रख देंगे, तो a इस पर वैल्यू रख दिया तो a³ - यहां a³ और 6a - a, a³ से a³ कट गया, आंसर 5a हो गया। अब इसी ढंग से जब इसको हम सेकंड मेथड से बनाएंगे तो सेकंड मेथड से तुम्हारे पास क्या होगा, ये बात को हमको सीखना है, यानी आपको x - a से डिवाइड करेंगे x³ - ax² - 6x - a को। अब तुम्हारे पास क्या होगा, इसको पूरा करने के लिए x² चाहिए, तो यहां पर x³ लिख दिया और ax² लिख दिया, ये वाली बात हो गई। अब यहां पर ये x² ये 0 हो गया और यहां पर 6x - a आ गया, पूरा करने के लिए 6 से करेंगे तो 6x - 6a हो गया, यानी 5a आ गया।
अगर हम बात करेंगे कि अगर हम इसको लिख कैसे सकते हैं, या बात ये क्वेश्चन आ गया, ये रिमाइंडर आ गया, अब तुम्हारे पास जिसके लिए सर जाने जाते हैं वह है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन क्या कहता है इसके बारे में तुम जानोगे, क्योंकि आपको मैथ सीखना है, ये नहीं कि आपको चैप्टर बना लेना है। ये ए से डिवाइड करेंगे जी, वन में से ए से मल्टीप्लाई किया ए हो गया, जोड़ेंगे जीरो हो गया, जीरो इंटू ए आपका जीरो हो गया, ये सिक्स हो गया, सिक्स ए हो गया, जोड़ देंगे फाइव ए हो जाएगा। यानी यहां पर रिमाइंडर एक्स जो है वह फाइव ए होगा, और कोशेंट एक्स की हम बात करें तो एक्स स्क्वायर ये वाला तुम्हारे पास जीरो एक्स प्लस सिक्स, ये तुम्हारा कोशेंट निकालना, रिमाइंडर निकालना आम बात हो गया। इस पर जितने क्वेश्चन को तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही मेथड आपका अच्छा होगा, अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें तकलीफ में आ जाएगा। और सबसे बेहतरीन जो होता है वह सिंथेटिक डिवीजन होता है, क्योंकि सिंथेटिक डिवीजन जो है वह बहुत फास्ट काम करेगा, यह तुमको जानना जरूरी है। इस पर एक नया क्वेश्चन हम तुमको कर देते हैं, क्वेश्चन कर दो इस पर हम प्रैक्टिस कर दें तो एक न्यू क्वेश्चन कर सकते हैं। वह नया क्वेश्चन क्या होगा, वो होगा एक्स क्यू एक्स स्क्वायर यहां फाइव एक्स माइनस ए डिवाइडेड एक्स माइनस ए। हम समझते हैं कि तीनों मेथड से इसको कर लोगे, तो इसको तीनों मेथड से तुम लोग करो, करने आ गया होगा। पहला मेथड तुम्हारे पास कह रहा होगा कि एक्स बराबर एक्स माइनस ए इक्वल जीरो है, तो एक्स बराबर ए रख देंगे। अब यहां ए रख देंगे तो एक की होगा, एक की होगा, यहां पर फाइव ए होगा माइनस ए होगा, ये कट जाएगा, फाइव ए से ए चला जाएगा, फोर ए आ जाएगा, फर्स्ट मेथड हो गया। दूसरे आपके दिमाग में चल रहा होगा डिवीजन मेथड, तो इससे डिवीजन भी कर सकते हो। तीसरा आपको चल रहा होगा सिंथेटिक डिवीजन, वो भी कर सकते हो। यानी तीनों मेथड में आप जो है आराम से कर सकते हो, ये तुम्हारे पास क्लियर होगा कि तीनों मेथड से तुम कैसे कर सकते हो। अगर तीनों मेथड से तुमने करने आ गया तो तुम्हारे पास कोई ढंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, यह बात तुम्हारे पास क्लियर होना चाहिए। अब अगला प्रश्न तुम्हारे पास यह है कि अगर चेक मेथड 7 प्लस 3x इज फैक्टर ऑफ 3x क्यू, यानी यहां पर तुमको इसको px इज इक्वल टू 3x क्यू प्लस 7x करोगे, और यहां पर gx आपका 7 प्लस 3x है। अगर हम फैक्टर थ्योरम की बात करें तो gx से अगर हम बात करें कि आपका px को, तो यहां पर रिमाइंडर जो आना चाहिए वह जीरो आना चाहिए। देखते हैं पहले हम डिवाइड करके, तो यहां पर 3x प्लस 7 और यहां पर 3x क्यू प्लस 7x, यह बात तुम्हारे पास आ गया है। आइए करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहां पर एक्स स्क्वायर बार कर दिया, तो यहां पर 3x क्यू हो गया और यहां पर 7x स्क्वायर हो गया, ये कट गया है। अब यहां पर तुम्हारे पास माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7x उतारना पड़ा। अब इसको हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3x लाना है, यहां पर 7x स्क्वायर लाना है, यानी हम 3 में क्या से गुना करें ताकि माइनस 7 हो जाए, यानी y बराबर माइनस 7/3 से, यानी यहां पर ये 7/3 से इसकी मल्टीप्लाई करेगा तो तुम्हारे पास माइनस 7x स्क्वायर, और ये वाला का हल करेगा तो माइनस 49/3x ये आएगा। अब इसको तो सॉल्व कर दिया, अब सॉल्व कर दिया तो तुम्हारे पास क्या आ गया, यह बात तुम्हारे पास आना चाहिए। इसको हम लोग सॉल्व किया तो 7 प्लस यहां 49 बटे यहां पर आपका 3 आया, और x में आया सत्या 21, 49 और 21 जोड़ दिया तो आपका यहां पर 50, यानी 70, ये 70/3x आया। अब यहां पर पुनः इसको लाने के लिए आपको, यानी 3 में हम क्या से गुना करें ताकि हमारा रिजल्ट वह 70/3 दिखे, तो y बराबर 70/9 हो गया, यानी यहां पर हम
70 बटे 9 से करेंगे तो अब तुम्हारे पास आ जाएगा, यानी 70 बटे 3 एक्स, और यहां पर 7 से ही गुना हो जाएगा तो 749 बटे 9। यह बात तुम्हारे पास आ जाएगा। अगर यह बात तुम्हारे पास आ गया तो तुम्हारे पास क्लियर हो गया कि वह फैक्टर होगा कि नहीं होगा। अगला मेथड बहुत आसान है। यह देखो, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, एक्स कॉमन ले लिया तो यहां पर 3x स्क्वायर हो गया और यहां पर 7 हो गया, लेकिन यह फैक्टर तो नहीं आ रहा है ना, यानी नहीं होगा। नेक्स्ट तुम्हारे पास एक और मेथड है कि यहां पर 7 + 3x इजकल टू 0 हो गया, तो 3x इजकल टू -7, यानी x बराबर -7/3 हो गया। अब यहां पर -7/3 रख देंगे तो तुम्हारे पास ये वाला जो वैल्यू है वह बिल्कुल आ जाएगा, यानी 3, और यहां पर -7/3 इसका होल क्यूब और 7 × -7/3 यह इसका रिमाइंडर होगा। यह बात तुम्हारे पास आपका क्लियर हो गया है, यानी रिमाइंडर थ्योरम को आप अच्छे से कर रहे हैं। यह बात तुम्हारे पास क्लियर हो गया। टाइम कितना हुआ? हो गया। अब तुम्हारे पास यहां तक में कोई तरह का दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें।